कुछ हटके नजर आ रही है। नहीं, ये कमरा है, इसी में आप सबकी रहने की व्यवस्था है। सर, आपकी पारखी नजर ने जिसमें जो पहचान लिया उसमें जरूर कोई बात होती है। सामान किसका है? अरे आप, अरे आप भी यहाँ? पहले पता चलता तो हम भी साथ में आ जाते। बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। हमें भी। ये सब किसके कपड़े पड़े हैं गद्दे पर? पता नहीं कौन अपना सारा सामान फैला कर गया है। ए चोटी! नीचे मुख मारो सामान। दिन दहाड़े किसी का सामान चोरते हुए शर्म नहीं आती? आप प्लीज शांत हो जाइए। ये सच कह रहे हैं, यही शंकर गली है। सत्यानाश! ए बापा, तू तो वही है ना? हाँ, डोडाई, तू इधर आने वाली थी इसलिए जानबूझकर मुझे गलत रास्ता दिखा रही थी। पर जो तारा पहला इधर पहुंची गई ने, और एक बात अच्छी तरह से इधर ना ऐसे ऐसे लिख ले, मुझसे पंगा लेने वाले को मैं छोड़ती नहीं। रहने दीजिए ना, एक मिनट। देखिए, आप हमारी बात तो सुन। भाई साहब बंद करने आवे? डोडाई, मुझसे तो तू बहुत ही मत करना। शांति। स्वामी जी कहते हैं कि क्रोध और हिंसा, ये दोनों ही चीजें बुद्धि का विनाश कर देती हैं। इसीलिए हमें शांति प्रिय होना चाहिए। बस्तर भैया, बस्तर बहुत ही उतारू प्रवचन। और ये बता कि तू है कौन? आरती, यदि हम सभी यहाँ एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहे, प्रेम से रहे, तो सोचिए कितना अच्छा होगा ये। सत्यानाश! ए बंद करो। और देखी तेरे जैसी साध्वी, और हाँ, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें करने से ना कोई सर्वगुण नंबर वन नहीं बन जाता। हाँ, इसीलिए अपनी बुद्धि अपने पास रख और मुझे मत सिखा ले। आशा करती हूँ कि आपको अच्छी तरह ज्ञात है कि आप यहाँ कहाँ आएंगे, और अगर यही व्यवहार रहा ना आपका तो बहुत ही जल्दी यहाँ से बाहर को रवाना कर दी जाएंगी आप, समझी? Excuse me. क्या आप मुझे बता सकते हैं प्लीज कि ये सर्वगुण नंबर वन कंटेस्टेंट्स के रूम कहाँ है? आप उस कमरे में पहुंच चुकी हैं। ओह, तो इसका मतलब वो आप ही लोग हैं जिनसे मेरा कॉम्पिटिशन है। सनम डांस शो, इस जीत का ताज तो मेरे ही सर पर बनने वाला है, जिसके बाद मुझे बहुत सारे कंटेस्ट जीते। मिस जयपुर, मिस इंडिया,
ए मिशनिया, नीचे नीचे आ जा। हाँ, ऐसे बॉम्ब अगर ऊंचे ऊंचे उड़ेगी ना तो नीचे गिर जाएगी। हाँ, आंखें खोल और इधर देख, कौन खड़ा है इधर? पारुल बेन। और पारुल बेन के सामने तेरे जैसी ऐसी वैसी तैसी और चार पांच आ जाए ना तो भी मुझे नहीं हरा सकती। हाँ, चला गया डोलीडा डोल रे बगाड़े मर। अरे आप अभी तक यहीं खड़े? मैंने आपको बताया तो था कॉम्पिटिशन में भाग लेने वाली महिलाएं आज बाहर नहीं आएंगी। हाँ, जानता हूं। लगता है बहुत प्यार करते हैं आप अपनी पत्नी से। ये मेरा नंबर है, मेरी पत्नी का नाम पूनम। अगर उन्हें कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे इस नंबर पर फोन कर दीजिएगा। और ये कुछ पैसे हैं, अगर उन्हें कुछ भी खाने पीने की या किसी भी चीज की जरूरत हो तो उन्हें लाकर दे दीजिएगा। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं नंबर रख लेता हूँ। ये स्वामी जी का आश्रम है, यहाँ कभी किसी को कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपकी पत्नी यहाँ खुश रहेंगी। ये रुपये रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बस मेरे इस भरोसे को कायम रखना। और मेरी पूनम जी का, मेरी पूनम जी का ध्यान रखना। आई एम लेट एज ऑलवेज। माफ करना मैनू। लुक, मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्यों टकराई। न्यूज़पेपर्स, मैगजीन में आए दिन फोटो छपते हैं मेरे, बट ये कोई तरीका तो नहीं है एक ऑटोग्राफ लेने के लिए तुम मुझसे टकराई। एक मिनट, मैंने समझ नहीं आया तुसे हो कौन। पेज थ्री की पार्टी के पिंकी आहूजा को कौन नहीं जानता? वही हूँ मैं, पिंकी आहूजा। देखिए, आप इतना अपसेट मत होइए, ये देख नहीं सकती। लीजिए। आपका नाम क्या है? नाम? नाम तो साडा नैना है जी। मेरी अखा दे विच रोशनी होंदी तो अजदा न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ लेंदी। शायद फिर मुझे बहन जी दी इन्नी गल्लां भी नहीं सुननी पैंदी। बहन जी? वो बहन जी? बहन जी मत बोलना। हाउ इज, तुम क्या यहाँ की कोई दासी हो? बिल्कुल नहीं जी, मैं तो यहाँ सरगुण नंबर वन कॉम्पिटिशन विच हिस्सा लेने आई हूँ। वॉट? बेन इस हरीफाई में भाग नहीं ले सकती। ये तो पारुल बेन की आवाज है। क्यों? क्योंकि आप वो मोटी पापिन है, बहुत बड़ी गुनेगार है ये, और मेरे जैसी संस्कारी स्त्रियों के समाज में ये काला डाका है। डाका, और ये डाका हमारे बीच नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन इसमें समस्या है क्या है पारुल बेन? पैसा। आटली गंभीर समस्या है और तू पूछ ही रही है कि समस्या क्या है? ये बाय खूनी है और एक कुछ महीने पहले ही अपने ही पति का मर्डर करके जेल से बाहर आई है। ये कैसे लोगों के बीच आ गई हूँ मैं? सोसाइटी में कितनी रेपुटेशन है मेरी, क्या कहेंगे लोग?
कि पेज 3 की क्वीन पिंकी आहूजा एक क्रिमिनल लेडी के साथ टाइम स्पेंड करेगी? क्या हमें इनके साथ रहे तो? ओह माय गॉड, मुझे मेरे फ्यूचर के साथ रिस्क नहीं लेना है। मेरा मिस इंडिया बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। ए मिस इंडिया, तू सपने की बात कर रही है? पर सपना देखने के लिए पहले तू जिंदा भी तो रहनी चाहिए ना। मैं कहती हूँ कि ये बार एक एक करके सबको मार डालेगी। खलास। इसलिए कहती हूँ ये बार यहाँ रहने लायक नहीं है, समझा? क्यों नहीं रहने लायक है ये? ये जरूरी तो नहीं कि जो जेल की सजा काट चुका हो वो सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता। और वैसे भी कोई भी इंसान जन्म से या नेचर वाइज अपराधी नहीं होता। भाई साहब, अब क्या होता है और क्या नहीं होता ये मैं नहीं जानती, पर ये औरत हमारे बीच नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। लेकिन हम और आप ये नहीं जानते कि किन परिस्थितियों में इन्होंने ये जुर्म किया, और हमें कुछ भी कहने का कोई भी हक नहीं। जिंदगी हर इंसान को दूसरा मौका देती है, तो फिर इन्हें क्यों नहीं? वाह भाई वाह, वाह वाह, बात है तो तू बहुत मोटी मोटी करती है, है? वो सब हमें नहीं पता, हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हम जो भी कह रहे हैं सही कह रहे हैं। अरे बागी, अब सही क्या, कल तू गलत बात भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सबसे पहले ये ना तेरा ही गला काट देगी, फिर बोलना सब कुछ। आप कुछ भी कहिए, स्वामी जी ने कहा था इस प्रतियोगिता के लिए वो अलग अलग जिंदगी और हर फील्ड से जुड़ी महिलाओं को यहाँ लेकर आएंगे, तो इस कॉम्पिटिशन में कौन रहेगा और कौन नहीं इस बात को लेकर हमारा बहस करने का कोई मतलब नहीं। चलिए हमारे साथ। ए भाई साहब, छोकरी यूं मौत को अपने साथ ले जा रही है, सबसे पहले ये तेरा ही गला काटेगी, बहुत पछताएगी तू मेरी बात नहीं मान के। भाई साहब, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। भाई साहब, कैसा आश्रम है, रहवानो ये सूरत मान, बाथरूम छे अहमदाबाद। थाकी गयो? सत्यानाश। आ सामान फेंक तेरा, चल। अरे हटाओ तारो सामान, खबरदार खबरदार जो मेरे आसपास नजर भी आई है तो। जाके उस पुनकी के पास जाके मार जो तुझे इधर लेकर आई है, बड़ी वकील बनती है ना तेरी। जा उधर, मेरा मुंह क्या देख रही है, चाल उठ निकल। हाँ ले जा सामान। आइए जाओ बेन जाओ। पिंकी जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आप पारुल जी की बगल वाली बेड में शिफ्ट हो जाएंगी। व्हाट? मैं और उस लड़ाकू के पास? ओ पिंकी, ओए पिंकी खड़ूजा, क्या बोला तू मेरे को, लड़ाकू है? अभी तेरे को दिखाती हूँ पिंकू खड़ूजा। शट अप, इट्स अहूजा नॉट खड़ूजा। मेरी खातिर झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे इन गद्दों पर सोने की आदत नहीं है मुझे, जेल में मैं जमीन पर सोया करती थी।
ग्रेट। इंसान को अपनी आदत नहीं छोड़नी चाहिए। वो क्या है ना, मुझे छोटे गद्दों पर नींद नहीं आती। आपको नींद नहीं आती वो आपकी अपनी प्रॉब्लम है। अगर आप दो बेड लेंगे तो मुझे भी दो बेड चाहिए, क्योंकि हम सब बराबर है। ए पिंकी, आश्रम तारा बाप नु नहीं है क्या, समझी? चल उतर, नीचे छोड़ गाड़ लो, उतर। नहीं मैं, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या हो रहा है पूनम? ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।